हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं 99 प्लस प्रैंक, सो लेट्स बिगिन। तो मैंने अपने सभी दोस्तों को कह दिया था कि हम अपनी पोजीशन पे ही खड़े रहेंगे और जब वो बंदे हमें मारने आएंगे, हम फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ फोर्थ राउंड में जाके हम उन खेलना स्टार्ट करेंगे। तो मतलब हम पहले उनका 3-0 करवाएंगे, उनके 3 हो जाएगा स्कोर, हमारा 0 हो जाएगा और उसके बाद हम खेलना स्टार्ट करेंगे। तो सब अपनी अपनी पोजीशन पे आ गए हैं और हमने कपड़े भी भाई नूब जैसे पहन लिए बिल्कुल। और सामने ही बंदा है, एक को डाउन कर दिया, एक मेरा फ्रेंड डाउन कर दिया और दूसरे को भी मार दिया, तीसरे को भी, और अब मुझे मार रहा है और ख़त्म कर दिया। 1-0 हो गया स्कोर और सक्सेसफुली 1-0 हो गया। हम हार रहे हैं सक्सेसफुली क्योंकि हम प्लान हमारा यही है कि हम हारे पहले 3 राउंड। तो देखते हैं सेकंड राउंड है अब ये। तो अब यार सेकंड राउंड में वो बहुत जल्दी आ गए क्योंकि उनको पता चल गया होगा कि हम ये तो यार प्रैंक कर रहे हैं, उनको ये पता चल गया होगा, इसलिए वो डायरेक्ट आ गए और सेकंड राउंड भी हम हार चुके हैं। और अब थर्ड राउंड में यार मुझे लग रहा है वो कोई लॉन्ग रेंज नहीं, MP5 ही है उसके पास और बहुत जल्दी जल्दी डाउन कर रहा है वो, बहुत दूर से ही मारना स्टार्ट कर दिया उसने। और ये शॉर्ट गन लेके आया हुआ है, प्रोनो है भाई, अगलों पे हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। लो जी ख़त्म। और हमारी टीम में 3 एक्टिव प्लेयर हैं, मतलब मैं और मेरे 2 दोस्त एक्टिव हैं, एक मैं एक और आईडी से आया हुआ था, वो प्लेयर्स पूरे करने के लिए 4 हमारी टीम के ही हों तभी सक्सेसफुली प्रैंक हो पाएगा। और अब MP40 शॉर्ट गन और मशरूम ले लिया है, डीगल ले लेते हैं और सब आ गया अब मेन चीज़ें। तो और अब देखते हैं भाई कर पाते हैं क्या नहीं हम। तो अब मैं सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और एक बंदा सामने आया और इस ट्रक के पीछे, ओ भाई इसको दिखा नहीं क्या, MP40 से डाउन निकाल दिया मैंने MP40 से, पता नहीं भाई इसको दिखा नहीं था या तो क्योंकि मैंने फायर भी किया था। और अब दूसरी साइड भी बंदा है इसलिए मैं ऊपर जा रहा हूँ पहले, ताकि मुझे ऊपर जाके एक कवर मिल जाएगा क्योंकि मुझे लग तो बंदे नीचे ही रहे हैं और यहाँ पे भी कोई बंदा नहीं है, पता नहीं। ओ पीछे है भाई, गंदा डैमेज दे रहा था वो। ऊपर है, ऊपर भी मतलब एक है बंदा और देखते हैं। अच्छा इसके पीछे है, ओ भाई ड्रैग लग गया और डाउन कर दिया मैंने। और अब इससे जल्दी से सामान उठा लेते हैं इसका। अब वहाँ पे यार हमारे जो प्लेयर्स हैं वो डाउन होते जा रहे, और गया एक और नॉक निकल गया और ख़त्म भी कर दिया मैंने उसको साथ के साथ। और अब ओ भाई एक ही प्लेयर बचा है बस, शिट यार ये तो मैच फंस जाएगा हमारी टीम का, सिर्फ मैं बचाऊँ बाकी सब ये मर चुके हैं, यहाँ पे मैच फंस सकता है। मैंने ग्लो वॉल लगा दिया है और ग्रेनेड पहले फेंकता हूँ यार, ग्रेनेड फेंक दिए मैंने सारे, 2 ही थे मेरे पास। ओ भाई 158 का डैमेज लगा उसको और मार दिया मैंने, नहीं अच्छा ये वो कर रहा है, करने दो इसको, कोई ना लेन दो। ये हॉरिज लाइन मार रहा था क्योंकि हमने ये क्लैश स्क्वाड जो नॉर्मल वाला है वो लगा रखा है, क्लैश स्क्वाड रैंक नहीं लगा रखा, इसलिए हॉरिज लाइन मार रहा था और मस्त यारी मोड देख के मारा उसको, मारने दिया हॉरिज लाइन भी बट उसके बाद फेल डाला। तो चलो इस राउंड में हम भी हॉरिज लाइन वगैरह खरीद लेते हैं ये सब चीज़। अच्छा हॉरिज लाइन तो मेरे पास है ही, लूट ले ली थी मैंने, रिपेयर किट ले ली मैंने, बस और कुछ तो चाहिए नहीं। तो अब मैं यार यहाँ पे नीचे से आ रहा था और ये रहा सामने है बंदा, ओ भाई MP40 से और शॉटगन से गया, ग्लू मार ली मैंने, हॉरिज लाइन मार रहा है, इसको जल्दी ख़त्म करेंगे, इसको टाइम नहीं देना क्योंकि मेरी खुद की हेल्थ कम है, इसलिए जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं। उनके 2 ही बंदे बचे हैं, एक ही बंदा बचा है, बाकी 2 नॉक है और जल्दी से रश करते हैं अब और देखते हैं किधर है बंदा, पता नहीं यार कहाँ ही छुपा पड़ा है बंदा, दिख ही नहीं रहा। तो यार अब कहाँ, अच्छा एक बंदा नॉक हो गया हमारा और ख़त्म भी हो गया, कहाँ है ये, कहाँ से, ओके सामने से मारा और MP40 से मैंने डाउन कर, अरे यार ग्लू मार दी मैंने गलती से, अब तो ज़रूरत भी नहीं थी। तो चलो 2 राउंड तो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए हैं, अब थर्ड राउंड में देखते हैं। और इस लाइन मैंने बल्कि गिराई दी,
अब सब कुछ ही है थर्ड राउंड के लिए भी, मतलब दो राउंड हम जीत चुके हैं, ये जीतने वाला थर्ड राउंड है हमारा। देखते हैं इसमें जीत पाते हैं कि नहीं। तो अब यार मैं बिल्कुल सामने से जा रहा था और यहाँ पे दो बंदे पीछे से आ रहे हैं, तो यहाँ से तो मारना भाई मुश्किल होगा उनको, इसलिए पीछे चलते हैं और देखते हैं मारते हैं फिर इनको। ओके यहाँ है दो बंदे और वो वन टैप लगा यार, मतलब ड्रैग कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक शॉट में मिस कर गया था। और अब ग्रेनेड फेंक, ओ शिट, ये ग्रेनेड ऊपर ही गिरा होगा मेरे, क्योंकि ग्लू वॉल पे टच हो गया था। मेरे ख्याल से ये पीछे ही फटेगा। और पहले यहाँ पे भी एक बंदा जिसको मैंने वन टैप दिया था, इसको ख़त्म कर देते हैं। कर दिया इसको ख़त्म, और ऊपर वाले को मेरे ख्याल से मेरे टीममेट ने कर दिया ख़त्म, इसलिए मैं इसको लूट के आगे चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे हैं। और दो बंदे बचे हैं, अब यहाँ पे लास्ट बंदा बचा था, वो भी नॉक पड़ा है हॉरिज लाइन के, मतलब उस पे था वो, और लोग ख़त्म ही हो गया वो बंदा भी। और अब यार लास्ट राउंड है और मेरे पास सब कुछ है, और यहाँ पे एक बंदा पीक दे रखा था, और ये लो एक और बंदा आया, तो इसको 67 का शॉट पड़ा है, बॉडी शॉट लगा। अब एक और शॉट लगा और मेरी दो ग्लू वॉल वेस्ट होगी यहाँ पे। और अब मैं ग्रेनेड फेंक रहा हूँ उसके ऊपर और हेल्थ ले लेते पहले। और ग्रेनेड बिल्कुल सही लग गया है, और मेरे ख्याल से ये किस्मत से लगा है, गलती से ग्रेनेड नीचे गिर गया, एक ऊपर गिरा एक नीचे गिरा, और नीचे वाले पे वो बंदा चला ही गया। और एक और बंदा मार रहा है यार, सिर्फ एक ही बंदा बचा है उनकी टीम का, और नीचे से मार रहा था शायद, आएगा क्या मेरी साइड, पता नहीं कहाँ पे है ये बंदा। ओके तो यहाँ पे एरो दिखा रहा है पीछे की तरफ, और इसको भी नॉक कर दिया मैंने, और हॉरिज लाइन मार, अरे यार मेरे टीममेट्स ने मार दिया इसको, नहीं तो मैं तो इसको भी मारना चाहता था हॉरिज लाइन अपना ही मोड दिखा। भाई गंदा ही स्कैम हो गया बेचारों के साथ, पहले तीन राउंड वो जीते और लास्ट में पूरा पेल डाला हमने। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।